रेलवे का सारा अपडेट पाने के लिए, जैसे कि कैंसिल ट्रेन, न्यू ट्रेन और रेलवे का इंटरलॉकिंग और विद्युतीकरण का कार्य जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो अपडेट है, भागलपुर से जल्द और 5 ट्रेन चलेगी इलेक्ट्रिक इंजन से। यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। भागलपुर किउल के बीच 3 ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से शुरू होने के बाद पूर्व रेलवे ने 5 और गाड़ियों को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इंजन को मंगा लिया गया है और रेलवे ने जुलाई के अंत तक भागलपुर यशवंतपुर अंग SF एक्सप्रेस, भागलपुर जम्मू तावी अमरनाथ एक्सप्रेस, भागलपुर रांची एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस और भागलपुर नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन भागलपुर से किउल के बीच विद्युत इंजन से कराने का निर्देश दिया है। अभी इन गाड़ियों का इंजन किउल में चेंज होता है और किउल में डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है, लेकिन इस महीने के अंत तक इस ट्रेन का परिचालन भागलपुर से किउल तक इलेक्ट्रिक इंजन से होगा। और बता दें कि अभी विक्रमशिला एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस और इंटरसिटी दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से हो रहा है। जल्द ही इसके अलावा और भी 5 में इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाएगा, जिसका परिचालन इस महीने के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, क्योंकि 5 ट्रेनों का परिचालन जल्दी शुरू होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें।